हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग रेसिपी। आज हम लोग बनाएंगे झींगा चने दाल की सब्जी। बहुत इजी है इसे बनाना और ये झटपट बन भी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, साथ ही इसमें मैंने जीरा ऐड किया है। इसमें तेज़पत्ता और सूखे मिर्चे को एक ऐड कर लिया। अब आपको इसमें ऐड करना है 1 स्लाइस किया हुआ ऑनियन, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप पोटैटो भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 पोटैटो को क्यूब में कट करके ऐड कर लिया है। आप अगर चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा इसको फ्राई करके आपको इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब इसमें मसाला डालिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर। अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस मसाले को फ्राई कर लिया और उसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया। जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएगा, आप लीड हटा के यहाँ पे अब आपको ऐड करना है कटा हुआ झींगा। झींगा आप यहाँ पे नेनुआ भी ऐड कर सकते हैं। तो झींगा जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे, अब आप इस मसाले को अच्छी तरीके से झींगा में कोट कर लीजिए, मिला लीजिए पूरे मसाले को। और जैसे आप इस मसाले को मिलाइएगा ना, अब आपको इस स्टेज में ऐड करना है नमक। नमक ऐड करने से झींगा अपने आप पानी छोड़ देगा, आपको अलग से पानी ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ऐड करोगे चना दाल। चना दाल मैंने भिगो के बॉईल कर लिया है। सारे रात मैंने उसको भिगो लिया था और सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया, तो इससे क्या होगा ना, कुकिंग प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा। अब आपको इसको धीमी आंच में मीडियम टू लो फ्लेम में आपको इसको ढक के पकाना है 15 से 20 मिनट। आप इसमें इसको बीच में ना स्टर भी ऐसे करते रहें, हिलाते रहें, ताकि आप देख लीजिएगा आलू आपका ठीक तरीके से पका है या नहीं, क्योंकि इसको पकने में 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। आप इसको ढक ढक के पका लें। अब जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ आपका बिल्कुल पक चुका है, अब इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता ऐड कर लीजिए। धनिया पत्ता से ना फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जैसे ही आपका रेडी हो जाएगा, आप इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लें और सर्विंग बोल में आप इसको सर्व करें पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, खूब खूब शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।